हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। सो आप सब का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आखिरी एपिसोड में, एपिसोड नंबर 19 में स्वागत है गाइस। और इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक ऐसे न्यूमेरिकल ही आता है हमेशा, मतलब इसमें कोई डेरिवेशन और ये सब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, कितना समझ पाते हैं ये टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक में एग्जांपल लेके तब समझ आने का, क्योंकि डायरेक्टली मतलब आपको बस फॉर्मूला कैसे आया उसका समझ हो जाना चाहिए। मतलब ये समझने वाला टॉपिक है पूरे तरीके से कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है उसके बारे में। ये थ्योरी नहीं है इसमें ना, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को हम लोग लेके आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बस समझना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कितना समझ पाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही आता है हमेशा एग्जाम में, तो हम लोग लास्ट में एक न्यूमेरिकल लेंगे जिससे आपको इस टॉपिक का 100% एकदम फील आ जाएगा कि किस बारे में है ये टॉपिक। न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, तो पूरा देखना है वीडियो तभी ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। तो चलो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब का ये वाला कन्वर्जन। देखो गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर बहुत सारा छुपा हुआ टैलेंट है। ठीक है, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे मूविंग चार्जेस ना, ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि आखिर ये बना हुआ कैसे है गैल्वेनोमीटर। अब इसके पास कैपेसिटी है करंट को नापने का, तो है ही करंट को नापने का कैपेसिटी तो है, डिटेक्ट कर रहा है ना करंट को, लेकिन छोटा करंट को मेजर कर रहा है, फिर भी मेजर तो कर रहा है ना। और उसके बाद फिर इसका काम होता है ये वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर का भी रोल ये प्ले कर सकता है एट द सेम टाइम, मतलब ये वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर रहा है और करंट भी मेजर कर रहा है, दोनों टैलेंट है इसके पास। लेकिन ये टैलेंट इसके अंदर आया कैसे, कुछ सपोर्ट का जरूरत पड़ा होगा ना, बिना सपोर्ट का तो इतना आगे नहीं बढ़ गया होगा। अकेले कोई जितना तुमको दिखे इंसान कि बहुत आगे बढ़ गया है तो उसके पीछे बहुत लोग का हाथ होता है तभी वो आगे बढ़ता है। ठीक है, इनिशियली मेहनत करता है इंसान, लेकिन आगे जाके बहुत लोग का सपोर्ट उसको चाहिए होता है एकदम आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ इंसान अकेले कोई भी कर सकता है जो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर को कुछ ना कुछ मदद का जरूरत तो पड़ेगा, और वो मदद हम लोग करेंगे उसको शंट रेजिस्टेंस से। अब शंट रेजिस्टेंस क्या है भाई, शंट रेजिस्टेंस नाम सुनी हो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाए हुआ होगा, हो सकता है तो कहीं कोई चिल्ला उल्ला रहा होगा शंट रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इस पूरा जो क्लास है ना वो सारा बेस्ड है शंट रेजिस्टेंस के ऊपर, क्या शंट रेजिस्टेंस क्या चीज़ है उसको समझ गए तो तुम समझ जाओगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको ऐसा कैसे सपोर्ट मिला कि ये एमीटर भी बन गया और वोल्ट मीटर भी बन गया, दोनों का काम करने लगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाए। एमीटर बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि गैल्वेनोमीटर में पहले से डिजाइन रहता है कि वो एमीटर भी बन जाएगा वोल्ट मीटर भी बन जाएगा। हम लोग कुछ ऐसा उसमें चेंजेस करते हैं, छोटा सा चेंज जिससे वो एमीटर भी बन जाता है, और एक और छोटा सा चेंज करते हैं तो वो वोल्ट मीटर भी बन जाता है। समझ आया? चलो तो स्टार्ट करते हैं, और पहले हेडिंग डालना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। एमीटर उसके लिए पहले ये रिकॉल करना पड़ेगा कि एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है वो नहीं यार, वो तो पता ही है, जो करंट मेजर करता है उसको एमीटर बोलते हैं, वो नहीं। एमीटर को जोड़ते कैसे हैं सर्किट में, चलो तुम बताओ मोटी, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में जोड़ते हैं। एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं रिया? क्यों, क्या रमेश भूखे बोले, क्यों जोड़ते हैं बताओ? अरे भाई तो ज्ञान मत दे, और भी गलत बोल रही है, चलो बताओ। एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं बताओ, बताओ बताओ, छुपाओ मत, बता दो कौन है, मतलब कैसे जोड़ते हैं। देखो ये तुम्हारा सर्किट, और यहाँ लगा है रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं एमीटर। तुम लोग देखिए होगी 10th क्लास में भी ऐसे एमीटर ऐसे ए करके लिखा है एकदम बेरोजगार टाइप का, और यहाँ पर क्या रहता है बैटरी, बैटरी से करंट फ्लो किया आई। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लो कि इसका है बाबू, यहाँ देखो मान लो इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, क्या रेजिस्टेंस है 5 ओम इसका, और यहाँ का वोल्टेज है 5 वोल्ट, वोल्टेज यहाँ कितना है 5 वोल्ट। अब जब तुम अभी करंट निकालोगी यूजिंग ओम ओम अंकल, V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या होगा V बाई R होगा, तो I यहाँ से कितना आएगा, V का वैल्यू कितना है 5, और R का वैल्यू कितना है 5, तो 5/5 कितना हुआ 1 एम्पियर हुआ। लेकिन यार ये एमीटर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, हर एलिमेंट हर सर्किट एलिमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही ये जो एमीटर है इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस तो इसका लिखा रेजिस्टर का, वैसे ही एमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा, हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस होता है। तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते एकदम कम लेते, चलो एकदम छोटा सा लेते, चलो एकदम 1 ओम ले लेते, जाओ 1 ओम ले लिया। अब तुम निकालो यार V बराबर IR, अब निकालो, तो यहाँ पर V/R = I, तो अब V कितना डालोगी, V तो 5 ही रहेगा ना, और लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, क्या आप करंट 1 एम्पियर आएगा, कितना आएगा बताओ,
कितना आएगा, 0. कुछ कुछ आएगा है ना, यानी कि हाँ भाई 0.8 एम्पियर, ठीक है, कुछ वही 0.83 एम्पियर नियरली मान के चलो। यार बहुत बड़ा डिफरेंस ही तो क्रिएट कर रहा है, तो अगर इसको और बढ़ा दो, हम तो यहाँ पर फिर भी बहुत कम लिए, इसको 1 ओम लिए हैं, तो यानी कि जो एमीटर है वो खराब कर दे रहा है मेजरमेंट को। देखो करंट, जब एमीटर नहीं था तब करंट कितना था, 1 एम्पियर, जैसे ही एमीटर लगाए वैसे ही ये तो करंट को घटा दे रहा है ना। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जो एमीटर हम लोग लगाएंगे करंट को नापने के लिए, वो सर्किट को डिस्टर्ब ना कर पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, 0। लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन आइडियली ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो हम आप लिखते हैं #, वी चूज, मतलब ऐसे सोचते हैं हम लोग आ आइडियल एमीटर। अब आइडियल एमीटर क्यों लेते हैं, उसका कारण तुमको समझ में आया, क्योंकि करंट घट जा रहा था। अब देख मान ले आइडियल एमीटर का मतलब रेजिस्टेंस का कितना हो, 0, ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है, रेजिस्टेंस 0 हो उसको बोलते हैं आइडियल एमीटर, ठीक है। हाँ क्या, वी चूज एन आइडियल, अरे आ आइडियल एमीटर कोई से फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेजी का क्लास चल रहा है क्या, इंग्लिश चल रहा है बकलोल आदमी, तो ये आइडियल एमीटर हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। नहीं ये मेरा इंग्लिश है, और ये इंग्लिश तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इतना यूनिक है इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता है ये इंग्लिश, बस तो वहीं से हम सीखे हैं बाबू, उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो कम बैक, तो यहाँ से देखो इसका करंट आया 1 एम्पियर, और यहाँ करंट आया 0.83 एम्पियर, ठीक है। एक मैम थी और एक सर था, दोनों बहुत अच्छा दोस्त था। मैडम जो थी वो इंग्लिश की थी, दोनों साथ में पढ़ा था, दोनों क्लासमेट था। मैडम इंग्लिश की थी, टीचर बन गई मैडम इंग्लिश की, डिग्री दोनों का बीएड कंप्लीट हुआ, और जो सर था वो फिजिक्स का बन गया, बीएड मतलब उसका कंप्लीट हुआ, मतलब सोचा कि चलो। फिर दोनों मिलके एक स्कूल में वैकेंसी निकला था, अप्लाई किया, फिजिक्स का 8 वैकेंसी था, इंग्लिश का 1 वैकेंसी था, मैडम का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैडम बेरोजगार रह गई, लेकिन जो टीच मास्टर था फिजिक्स का उसका सिलेक्शन हो गया। मैडम का हैंडराइटिंग भी एकदम जोरदार था, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, उसका मार्क्स भी उसका एकदम 90% आया था, लेकिन उसका आया था 55%, फिर भी भाई साहब सिलेक्शन हो गया, समझ आया। तो ये अंग्रेजी का कोई इज्जत नहीं है, इज्जत फिजिक्स का है, अंग्रेजी तो बस एक तरीका है उसको दर्शाने का, ठीक है। चलो अब बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, टू मच नॉलेज फॉर टुडे, समझ आया यहाँ तक जो हम बताएं तुमको। तो आइडियल एमीटर क्यों चूज करना है, क्या आइडियल एमीटर चूज करना पॉसिबल है, नो, मतलब एमीटर हमेशा गलत करंट नापता है, बिल्कुल बिल्कुल, एमीटर हमेशा गलत करंट नाप रहा है, गलत मतलब 1 एम्पियर है बकलोल, तो 0.83 नाप रहा है ना, तो गलती कैसे नहीं हुआ, तो एमीटर हमेशा गलती कर रहा है यार, क्योंकि आइडियल पॉसिबल है। क्या ये एमीटर का रेजिस्टेंस जो हम लोग लिए हैं यहाँ पर वन ओम, क्या इसको तुम 0 कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, आइडियली वो आइडियल मतलब कि इमेजनरी, फेक, नकली, सूडो, जाली, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब वो सब खैर ठीक है, अच्छा इसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, समझ आया, बता रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर करंट 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, तो 1 एम्पियर पास करेगा ना, इससे इसको पैरेलल में लगा दोगी, मान लो ऐसे लगा दी भिखारी जैसा एकदम, जैसे ऐसे लगा दो, मान लो ले सीरीज में लगा दो बकलोल जैसा, तब तो करंट बढ़ जाएगा, तो इधर कुछ और निकलेगा, इसके पास कुछ और जाएगा, बचा कुचा इसके पास चल जाएगा, तो बचा कुचा ना जाए इसलिए इसको किस में लगाते हैं हम लोग, सीरीज में लगाते हैं। हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं एमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, इन सीरीज, जो बोले उसको इग्नोर करो बाबू, साफिया के बाद आगे बढ़ो, इन सीरीज, ठीक है। इन सीरीज क्यों मेजर लगाते हैं, इन सीरीज क्यों लगाते हैं, इन सीरीज क्यों लगाते हैं, ताकि एक्चुअल करंट जो सर्किट का है उसको नाप सके, ठीक है। चलो तो ये सब लिखने की जरूरत है, इसको बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, चलो बोलो। तो क्या आप लोग कन्वर्जन के लिए तैयार हैं, चलो कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका काम होता है छोटा करंट डिटेक्ट करना। अब वो छोटा करंट वो कितना डिटेक्ट करता है, छोटा करंट जैसे ये गैल्वेनोमीटर, उसका एक टर्म होता है उसमें एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर 0 एम्पियर होता है ना, और इस तरफ जाके उसका सुई अटक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और मतलब उसका कितना मैक्सिमम, मतलब उसका सुई मुड़ सकता है, कितना मैक्सिमम वो मेजर कर सकता है, उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाँ तो इसके अलावा क्या, इधर घूम जाएगा ऐसे पगली, तो ठीक है ना, यहाँ पर 0 रहता है, या तो इधर जाएगा या तो ऐसे होगा, या तो इधर ही गया तो मैक्सिमम हो गया, मतलब इसका सुई जब ऐसे हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा, क्या वैसे सेटिंग किया उसको गैल्वेनोमीटर को, ताकि सबसे अलग दिखे थोड़ा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ 0 एम्पियर होता है, ये इसमें यूनिक चीज़ है, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू होता है, कार थोड़ी है जो स्पीड बढ़ रहा है तो ऐसे घूम रहा है बकलोल। अब सुनो आगे, इसमें एक टर्म अभी आईजी के बारे में बताया, आईजी का मतलब क्या होता है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर नहीं है यार, मतलब करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है उसको बोल रहे हैं ना, करंट, कौन सा करंट, गैल्वेनोमीटर में जो मेजरमेंट दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर। अब क्या ये आईजी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, नहीं यार, इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, कभी आई जी 10 होगा, मतलब 10 तो नहीं, सॉरी, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लिख देते हैं, मैक्सिमम जो आई जी का वैल्यू होगा, मैक्सिमम आई जी मैक्सिमम, मैक्सिमम वो मेज़र करता है 1 एम्पियर, उससे ज़्यादा वो मेज़र ही नहीं कर सकता है गैल्वेनोमीटर,
है ना। और 1 एम्पियर को हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, 1000 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, और ये 100 मिल के फिर 1000 मिल के 1 एम्पियर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वो मेज़र नहीं कर सकता, अगर तुम इससे ज़्यादा उसको दोगी तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका सुई जाएगा एकदम मस्त यहाँ जाके अटक जाएगा। 1 एम्पियर दी, 1 एम्पियर यहाँ दिखाया, फिर वापस से नहीं आएगा क्योंकि उसको ख़राब हो चुका है, समझ आया। तो तुम उसको 1 एम्पियर उसका मेज़र करने का औकात है, लेकिन उसको 1 एम्पियर नहीं दोगी, उससे कुछ कम दोगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा पढ़ने का कैपेसिटी है 1 घंटा, तुम्हारा पढ़ने का कैपेसिटी कितना है 1 घंटा, दो दिन में 1 घंटा, आधा आधा घंटा करके 1 घंटा 2 दिन में। अब तुम्हारा कैपेसिटी ही 1 घंटा है डेली का, तो तुम 1 घंटा नहीं पढ़ती हो, फिर तुम 45 मिनट पढ़ती हो उसमें से भी, मतलब 2 दिन में 45 मिनट, समझ आ रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी का भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो उतना वो लोड नहीं ले सकता है। जैसे इसका लोड मैक्सिमम कितना है 1 एम्पियर, तो ये नहीं कि इसको 1 एम्पियर घुसा दो एकदम, तब तो बेचारा हो सकता है ख़राब होने का चांस हो। वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जैसे 1 घंटा का औकात है ना पढ़ने का, तो तुम 45 मिनट जैसा पढ़ो, या तो 40-50 मिनट्स, उससे मतलब 10 मिनट कम से कम बचा के चलो, क्योंकि तुमको मालूम है कि वो हाई डैमेज हो सकता है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल कार खरीद के लेके आई, कार में लिखा है कि कार 140 का स्पीड पे चल सकता है मैक्सिमम, तो बोले कि नहीं 140 लिखा है, उतना चला के देखेंगे। भाई साहब 140 लिखा है, 140 पे चलाओगी उसको, आखिरी तक पहुँचा के देखोगी, पता चला गाड़ी का पूरा बम्पर हिलने लगा, स्टेयरिंग हाथ में आ गया, वो वाला हो जाएगा अक्षय कुमार वाला, स्टीयरिंग हाथ में आ गया, हाथ में ऐसे लेके कर रही हो तो वो हालत हो जाएगा। तो ये बात तुमको देखो, आप बहुत लोग बोलता है सर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर दे दीजिए, नहीं 1 एम्पियर हम नहीं देंगे, उससे हम कम देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि उससे कम देंगे तो बढ़िया मेजरमेंट करेगा वो, 1 एम्पियर भी कर सकता है लेकिन खराब होने का चांस रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे 1 एम्पियर से कम देने का, समझ आया। हाँ लेकिन 1 एम्पियर वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है, सुई यहाँ तक जा सकता है, उससे 2 एम्पियर दे दोगी तब तो भाई पूछो ही मत, तब तो वहीं जाके अटक जाएगा वो, आगे वापस आएगा ही नहीं सुई, आएगा जो तुम्हारा जो फिजिक्स लैब रहेगा कि लिखने लगेगा कि कल पैसा लेके आ जाना, ठीक है, रहता है ना फिजिक्स लैब में ये। चलो देखो आप वापस आओ। लेकिन अगर इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, अब एमीटर का तो रेंज बहुत बड़ा होता है, बड़ा बड़ा करंट वो नाप सकता है, 10 एम्पियर का, 12 एम्पियर का, बड़ा बड़ा करंट नापता है वो एमीटर, ठीक है। तो इसका तो 1 एम्पियर का औकात नहीं, ठीक से 1 एम्पियर वो भी ठीक से नहीं, जैसे तुम्हारा 1 घंटा का औकात नहीं है, चलिए नीट निकाल लें 12 घंटा पढ़ने, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। चलो वापस, हाँ समझ तो आ ही रहा होगा चलो वापस हम लोग आते हैं, ये सबसे तो जोरदार समझ में आएगा। देखो अभी देख सर्दी की, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है लगाए यहाँ पर हम, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बैटरी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक क्या है रेजिस्टेंस, छोड़ दो रेजिस्टेंस अभी हटा दो, अभी रेजिस्टेंस को भूल जाओ। अच्छा ये तुमको यार एक चीज़ का पता है, एक चीज़ का फील है, रेजिस्टेंस यहाँ बनाना जरूरी क्यों है, क्या लगता है तुमको रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा होता होगा? नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है, नहीं, ये जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये वो तो उसको कभी दिखा दिया, एक्सटर्नल है कैपिटल आर। ये जो रेजिस्टेंस होता है ना यार, ये मत सोचो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है, यही गलत है, ये रेजिस्टेंस पूरे वायर का यहाँ पर दिखाया गया है। अरे वायर में रेजिस्टेंस होता है ना, क्योंकि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको यहाँ लिखा जाता है, समझ आया। अब जैसे तुम कोई बल्ब ला के जोड़ दो तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस वो अलग से लिखाएगा, लेकिन जब ये वाला बनाते हैं ना तो हम वायर का रेजिस्टेंस यहां दिखा रहे हैं, और ये यहां पर नहीं होता है, पूरे वायर में होता है रेजिस्टेंस, तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको एक जगह दिखा देते हैं, समझ आया। तो इसलिए ये बनाना जरूरी है, मतलब ये हर सर्किट जो भी सर्किट होगा अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा टाइप का रेजिस्टेंस उसमें लगा होगा, ठीक है। अभी यहां पर हम जैसे याद करो यार एमीटर को सीरीज में जोड़ते थे, वैसे ही गैल्वेनोमीटर को किसमें जोड़े हैं, क्योंकि अभी गैल्वेनोमीटर को हम क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका औकात क्या है उतना नहीं है एमीटर के जितना, एमीटर तब ना बोलेंगे जब उसका औकात हो जाएगा एमीटर के इतना, ठीक है। अभी मान लो तुम इसको करंट भेज दी 2 एम्पियर, कितना भेज दी 2 एम्पियर, क्या होगा बताओ, पूरा बर्बाद हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस हाँ अरे सही में होगा यार, तो क्या हम तभी से मजाक कर रहे हैं, 1 एम्पियर से ज़्यादा भेजोगे तो रुक जाएगा उसको सुई वहीं पर, ख़राब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, समझ आया, सही में खराब हो जाएगा। चलो ये गरीब लोग यहाँ देखो तुरंत गरीब की बात करने लगती है, आज हम वहाँ से भीख मांगे, भाई यहाँ देख भिखारी नहीं, तो यहाँ से 2 एम्पियर आया, ठीक है 2 एम्पियर आया, अब गैल्वेनोमीटर में डायरेक्ट 2 एम्पियर जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं। अच्छा यार ये बताओ करेंट ज़्यादा किस तरफ जाता है, जहाँ हाई रेजिस्टेंस होता है या जहाँ लो रेजिस्टेंस होता है, सिंपल बताओ, सिंपल बात पूछ रहे हैं। लो रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ हाई करेंट जाएगा, और जहाँ हाई रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पर कम करंट जाएगा। तो यहां पर देखो ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के जस्ट ऊपर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस रेजिस्टेंस को एक स्पेशल नाम देते हैं शंट, क्या नाम दिया इसको,
और ये जो शंट होता है इसका रेजिस्टेंस 0.01 एम्प ओम होता है, देख रही हो कितना कम रेजिस्टेंस है 0.01। और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 ओम, कितना मान लिया 10 ओम। तो अब ये बताओ यार ये जो 2 एम्पियर आ रहा है क्या ये 2 एम्पियर ज़्यादा गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा या शंट के पास? शंट के पास ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस देख रही हो कितना कम है। V बराबर IR से अगर R बहुत कम है तो I क्या जाएगा भाई? इसको रिया को नहीं दिख रहा है, देखो हम बता रहे हैं I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है। तो अगर R मेरा बहुत कम है रेजिस्टेंस तो करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा जाएगा, मान लो कि इसमें करंट 2 एम्पियर था ना, तो 2 एम्पियर का मान लो कि इसको दे देते भाई साहब को, चलो तुम मानोगे नहीं 1 एम्पियर हम दे ही देते इसको जाओ, लेकिन ख़राब नहीं होगा ये, 1 एम्पियर से कम ही देना, लेकिन चलो 1 एम्पियर दे देते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन 1 एम्पियर दोगे तो खराब, ये हम क्या ऐसा बोले खराब हो जाएगा एम्पियर पे? नहीं, हो सकता है कि फड़फड़ाने लगे, गाड़ी चल तो रहा है ना समझ आया, तो 1 एम्पियर दे दिया उसको, क्या ये भी 1 एम्पियर लेगा? तुम देखो यार 1 एम्पियर हम चाहेंगे ना तो भी नहीं भेज पाएंगे, हम अगर 1 एम्पियर चाहेंगे तो भी नहीं भेज पाएंगे, क्यों? क्योंकि यार ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? बहुत कम है, तो ऑब्वियसली ये कैसा करंट लेगा? ज़्यादा लेगा, तो हम चाहते हुए भी यहाँ 1 एम्पियर नहीं भेज पाएंगे, हमको 1 एम्पियर से कुछ कम ही भेजना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसको भेज देते हैं 800 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर में 800, तो इसको कितना जाएगा ये भाई को? 1200 मिली एम्पियर जाएगा कि नहीं बताओ? अब यार देखो गैल्वेनोमीटर सेफ हो गया, लेकिन इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है अभी भी? बोलो 2 एम्पियर। तो ये शंट लगाने से, अच्छा देखो ये तुमको दिख रहा है ना खूबसूरत डायग्राम, ये वाला, इसी खूबसूरत डायग्राम को हम लोग बोलते हैं एमीटर। बोलो कि ये एमीटर कैसे बन गया? पता भी नहीं चला, बता रहे कैसे बना, अभी दिख जाएगा तुमको। तुम्हारा काम क्या है? करंट मेजर करना। क्या तुमको उसका घंटा मतलब है कि यहाँ क्या क्या है पर कहीं पर एमीटर दिख रहा है? अच्छा ये कतई मत सोचना कि एमीटर आ जाएगा, जब एमीटर ही लगा देंगे तो क्या फायदा कन्वर्जन का? यहाँ गैल्वेनोमीटर क्या कहीं पर एमीटर है? नहीं, हम तो गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में बना रहे हैं। अभी देखना हम बता रहे तुमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, तुम यार यहाँ से करंटें मेजर करना चाहती हो ना। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? तो मान लो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स, इस पॉइंट को वाई, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, कोई कष्ट होगा बताओ? पैरेलल में एक खास बात होता है कि जितना वोल्टेज ऊपर वाले के पास होगा उतना ही वोल्टेज पोटेंशियल बराबर होता है ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज ऑलवेज इक्वल, पढ़ी होगी ये। तो हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई बराबर वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अरे करंटें मेजर करना है ना कि 2 एम्पियर कैसे आ रहा है। तुम बोलोगे सर गैल्वेनो, देखो देखो दिक्कत क्या हम बता रहे हैं, ये 800 मिली एम्पियर गया, अब इसमें एक सुई लगा होगा गैल्वेनोमीटर में जो कि कितना मेजर दिखाएगा हमको, कितना मेजरमेंट दिखाएगा? 800 मिली एम्पियर। फिर जैसे स्टूडेंट सर 800 मिली एम्पियर तो दिखा रहा, कहाँ ये कन्वर्ट हुआ? बोलेगा सर 800 तो दिखा रहा। अरे बकलोल फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, देखो ये वी एक्स वाई कितना है, वी एक्स वाई वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख गरीब लोग, वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पर करंट कितना जा रहा है इसमें? 212 जा रहा है, ठीक है। अभी रुक, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को डेटा लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है उसको किससे दिखाते हैं हम लोग? तो यहाँ IG लिखेंगे तो कोई बुराई है उसमें? अच्छा यहाँ पर कितना करंट जा रहा है बताओ बालक, इसमें इसमें IG गया तो ये वाले में कितना जाएगा? गरीबों का भिखारी है तुम लोग एकदम। चलो यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ देखो एकदम ही अलग ही लेवल का गरीब है यार तुम लोग सही में। यहाँ देखो ऐसे लगा एक, नहीं नहीं होना चाहिए एकदम यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ से कितना आया है बाबू? यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ पर कितना गया IG, और इधर कितना जाएगा बताए तुम लोग खुद ही ये चीज़ की कि सर यहाँ 800 गया तो यहाँ 1200 जाएगा, कैसे की वो माइनस करके खुद ही की ना यार, हम कहाँ किए? तो वही डेटा वाइज अगर लिखे तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना लिखे थे? एस, शंट रेजिस्टेंस, नाम दिया उसको शंट रेजिस्टेंस, शंट सपोर्टिव, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर VXY किसको बोल रहे हैं? ये वाले को ए भी बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं? XY। अच्छा इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम XY का बात करेंगे? करंट कितना है इसमें? I - IG, और रेजिस्टेंस कितना है? S बराबर, इसमें करंट कितना है? IG, रेजिस्टेंस कितना है? G, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को G से दिखाते हैं, पिछले क्लास में बताया गया है। तो यहाँ से तुम क्या ये I निकाल सकती हो? देखो ऐसे निकालोगी IS - IGS बराबर IG, IGG, IGG, है ना। तो यहाँ से इसको इधर भेज दो यार, तो इसको जब इधर भेज दोगी तो क्या हो जाएगा बोलो? IS बराबर IGG प्लस IGS। तो I कितना आ जाएगा यहाँ से? IG कॉमन ले लो तो G प्लस S बाई S,
ये देख, अब आई निकल जाएगा। यहाँ आईजी कितना डालोगी, आईजी कितना डालोगी, 800 मिली एम्पियर। ये जी का कुछ वैल्यू डालोगी, एस का कुछ। अब ये हम रैंडमली लिए हैं यार, तुमको फील दिलाने के लिए। अब ये मत सोचना ये सब डेटा पुट करके उतना ही आ जाएगा 2 एम्पियर। ये समझाने के लिए लिए हैं कि ये करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो तुम जी डालोगी, जी तो तुमको दिया रहेगा, एस भी दिया रहेगा, ये भी एस दिया रहेगा, आईजी तो पता ही चल जाएगा। सर आईजी कैसे पता चलेगा भाई साहब, इसका डिफ्लेक्शन से रहता है ना गैल्वेनोमीटर, तो उसका डिफ्लेक्शन जितना रहेगा उतना आईजी होगा, आई अपने आप निकल जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर किस में करंट कन्वर्ट हो गया, एमीटर में। अब जैसे मान लो इधर तुम 10 एम्पियर भेजी, तो 10 एम्पियर भेजोगी तो ज़्यादा करंट कौन ले लेगा, ये भाई साहब कितना ले लेगा, 9 एम्पियर ले लेगा, और इसको कितना भेजेगा, 1 एम्पियर, और काम हो जाएगा मेरा। लेकिन आंसर कितना मिलेगा, 10 एम्पियर। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यानी कि तुम यहाँ से अगर 10 एम्पियर भेजती हो तो 1 एम्पियर ये ले लेगा, और 1 एम्पियर से डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो हम 1 एम्पियर यहाँ डाल देंगे, और ये जी का वैल्यू डाल देंगे, एस का वैल्यू डाल देंगे, तो अपने आप में पता चल जाएगा हमको कि पूरे सर्किट में करंट कितना है। नहीं समझ में आया, आया समझ में? ये डेटा अगर हम नहीं लेते तो माथा फूट जाता, तुमको कभी समझ नहीं आता, जीवन में समझ नहीं आता, बिना डेटा लिए समझ में नहीं आएगा। तो काम इतना ही हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। टेस्ट कहाँ है, यहाँ है। ये देख, यही कन्वर्जन है। ये दोनों वोल्टेज बराबर की, दोनों का जो कैलकुलेशन की, फिर इधर की कैलकुलेशन। समझ आया कन्वर्जन कैसे हुआ? तो अभी थ्योरेटिकली हम लोग लिखेंगे सारा बात। तो इसको ये डायग्राम बनाना है, ये वैल्यूज़ नहीं लिखना है, समझने के लिए था। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, S का वैल्यू बहुत कम होगा। S मतलब कि इसका रेजिस्टेंस, क्या होगा इसका रेजिस्टेंस, वेरी वेरी लो। काहे काहे, ताकि इसमें करंट क्या जाए, हाई है, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो, तो इसमें करंट क्या जाएगा, हाई। और यहाँ पर जी का वैल्यू क्या रहेगा, मॉडरेट, मॉडरेट रेजिस्टेंस, मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। मॉडरेट मतलब जैसे 10 एम्पियर, 10 हम लिखे थे, लेकिन इसका कितना था, 0.01 फील होना चाहिए वो डेटा का, ठीक। ये हुआ तुम्हारा जी और एस, और बाकी ये फॉर्मूला यूज़ किया ओम्स लॉ का हम, ये सब बताने के लिए। तो इसको बना लो जल्दी से, है ना, बनाओ जल्दी। देखो एक ज़रूरी बात बताने भूल गए, हाँ, एग्जाम में पूछता है हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, तो ये सब करके दिखाना होगा। करके दिखाना मतलब 8000 और 800 और 1200 नहीं, डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बना के वोल्टेज बराबर करके और ये डराइव करके दिखाना होगा, और बोलना दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट। और उसका फिर थ्योरी मत लिखना, ठीक है, 0 नंबर मिलेगा उसका, यहाँ लिख, इसलिए थ्योरी भी लिखना है। चलो देखो अरे इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंग्लिश का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है, समझी। अब देखो एक पॉइंट, जैसे अभी आगे जाके तुम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो कॉल सेंटर ये सब में जॉब करोगे ना, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं इंग्लिश सीख लो, जरूरी है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर टू कन्वर्ट, अच्छा एक मिनट, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग लिख लें। द गैल्वेनोमीटर इज़ केपेबल, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये सिम्बॉल है गैल्वेनोमीटर का, ज्ञान मत देना, ठीक। द गैल्वेनोमीटर इज़ केपेबल ऑफ मेजरिंग, लिख, मेजरिंग स्मॉल करेंट्स इन मिली एम्पियर। तो माइक्रो भी ले सकती हो, अरे माइक्रो तो उससे भी छोटा हुआ ना, माइक्रो मतलब 10^-6, मिली मतलब 10^-6-3, मिली मतलब गई फिर नहीं मिली। द गैल्वेनोमीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग स्मॉल करेंट्स इन मिली एम्पियर्स। वी डिजाइन इट इन सच, अब का हो गया सच अ वे, हाँ सी ए के पे केबल हो गया, नहीं केपेबल, सी ए पी के पेबल, केपेबल 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 मतलब औकात, उसका औकात है, ठीक है। वी डिज़ाइन इट इन अ सच अवे, मतलब उसका औकात को हम लोग बढ़ाते हुए, देख रहे हो कैसे हम समझते हैं अंग्रेजी, उसका औकात को हम लोग बढ़ाते हुए, वी डिज़ाइन इट इन अ सच अवे डेट लड़का बेवकूफ़ बन जाए और उसको लड़की पसंद आ जाए, उसके बाद शादी करके पता चले भाई साहब ये तो भाई साहब मेकअप की वजह से अच्छा दिख रही थी, वही चीज़ यहाँ पर करने वाले। वी डिज़ाइन इट इन सच अ वे दैट इट कुड बी एबल टू मेक फेक फोटोज, दैट इट वुड बी एबल टू स्नैपचैट, इट वुड बी एबल टू मेजर
जो वीडियो ये देखेगा ना बोलेगा बहुत फालतू मास्टर है, फालतू बात करता है सिर्फ। कुड बी एबल टू मेजर करेंट्स, मेजर करेंट्स इन, किसमें मेजर करेगा बाबू अब? एम्पियर, एम्पियर्स, एम्पियर्स में मेजर कर पाए, मतलब कि एमीटर के जैसा बन जाइए, है ना, मतलब उसको एमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? फॉर दैट वी कनेक्ट अ हाई, सॉरी 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 लो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ दी गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ दी गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ दी गैल्वेनोमीटर, एंड दैट लो रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, दैट पैरेलल रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस, एंड दैट स्मॉल रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाई एस, थैंक यू। और ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग इसको निकालने के लिए, ठीक है, चलो मिटा दें ये सारा। अब और ये फॉर्मूला रट लो, आई बराबर आई जी जी प्लस एस बाई एस, आई बराबर आई जी जी प्लस एस बाई एस। एक चीज़ पे गौर करो, यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया जा रहा है उसमें इस बात को देखो बस लिखा जा रहा है, मतलब जो हम शंट लगा रहे हैं, जो हम शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, थैंक यू, अच्छा एक्सक्यूज में बोलते हैं, अच्छा तो यहाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, अच्छा यहाँ देखो कि यहाँ लिखा है कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि आप जितना चाहे शंट को उतना रख सकते हैं, जितना लो कीजिएगा उतना अच्छा है ना, जितना लो कर सकते हैं उतना, वो आप डिसाइड कीजिए। अब कोई ऐसा रहेगा कि जो शंट रेजिस्टेंस बहुत ही कम वाला वैल्यू वाला लेगा, लेकिन लो बोलने का मतलब कि उसका वैल्यू कम ही रहना चाहिए, कम नहीं रहेगा तो काम कैसे बनेगा, कम नहीं रहेगा तो हाई करंट नहीं लेगा, तब तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, तो इसलिए कह रहे हैं लो रेजिस्टेंस, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो तुम अपना ऑपरेटर्स के हिसाब से देख लेना। अच्छा रेजिस्टेंस को लो और हाई कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स होता है मेरे पास, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से ये जो की है उसको निकालते जाएंगे, उसे जितना डिजायर्ड रेजिस्टेंस बनाना उतना बना लेंगे, हमको लो करना है तो लो करने के लिए यहाँ से की निकालोगी या डालोगी इसमें? और डालना पड़ेगा, निकालने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और डालने से घटता है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की बनना डाल देंगे इसमें, पूरा भर देंगे सारा की इसको, तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा और इसी को एज अ शंट रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो वो सेटअप बना के रहता है ना, समझ आ गया बात? तो ये एक थ्योरिटिकल अप्रोच है यार, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, ये प्रैक्टिकल में से थोड़ी प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है बता रहे हो, प्रैक्टिकल में ये चीज़ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर लेकर के और उस गैल्वेनोमीटर का अगल बगल एक वायर जोड़ के उसको हाई रेजिस्टेंस जोड़ के और ऐसे करके बना सकते हैं, तो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल है। अच्छा तुमको एक बात बता होगा कि जो भी रेजिस्टेंस मेरे पास होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें रेजिस्टेंस लिखा होता है, अब हर रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होता है, किसी रेजिस्टेंस बॉक्स में ये लिखा रहता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मतलब उसको अगर हम निकालते जाएंगे तो हमको हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा, समझ आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं? हाँ उसमें मैक्सिमम रेंज लिखा रहता है कि इतना ओम से लेके इतना ओम तक आप इसको सेट कर सकते हैं, समझ आ रहा है? तो शंट रेजिस्टेंस तुम्हारे ऊपर, इसलिए कहा उसको कोई वैल्यू बताए कि इतना ही शंट रेजिस्टेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना लो रख सको उतना अच्छा है, हाई रखोगी तो बकलोले हो, फिर हाई रखोगी तो मतलब तुम ठान लियो कि गैल्वेनोमीटर में आग लगाना है हमको कन्फर्म, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी गलती तुम्हारा गलती? हाँ तो नेक्स्ट इज कन्वर्जन, ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की निंजा टेक्निक। तो अभी देखो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है कैसे बता रहे हैं। म्यूजिक नहीं हो निंजे, मज़ा नहीं आया, म्यूजिक वाला नहीं हो निंजे, हथौड़ी वाला डिंग डिंग डिंग।
गैल्वेनोमीटर, और अच्छा पहले वोल्ट मीटर पढ़ना था यार, पहले वोल्ट मीटर समझो क्या होता है, वोल्ट मीटर समझोगे तब ना पता चलेगा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे बदल रहा है। तो पहले लिखना है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, हाँ बिल्कुल सही बोली, वोल्ट मीटर। अब मेरे पास एक ट्यूब है, हम खरीद के लेके आए हैं ट्यूब, एक ट्यूब ट्यूबलाइट जलाने वाला होता है ना, देखो ये वाला, ये ट्यूब दिख रहा है, यही ट्यूब दिख रहा है तुमको, दिखा, चलो ठीक है नहीं दिखा तो हम और पास लेके आते हैं। तो ये ट्यूबलाइट वही वाला है, ठीक है, और ये ट्यूबलाइट जो है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, होगा तभी ये हीट हो रहा है, तभी इसमें हीटिंग हो रहा है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, याद है हागी, मतलब ये एच का मतलब हागी मारू नहीं, एच का मतलब हीट है, ठीक है, आई का मतलब करंट, और आर का मतलब रेजिस्टेंस, टी का मतलब समय, ये कितना देर तक तुम उसको जला रही हो, जितना देर तक तुम उसको जलाओगी उतना ज़्यादा उसका हीट होगा, हाँ यही होता है, जूल देखे गया था, हागी मारू नहीं, जूल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, चल फालतू बात। तो यहाँ पर इसमें हीटिंग हो रहा है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है इस ट्यूब में, ठीक है। अभी इस ट्यूब में हमको ये मेज़र करना है कि इसका वोल्टेज कितना है, ट्यूब का वोल्टेज कितना है। तो क्या करेंगे, ये ट्यूब यहाँ पर है और यहाँ पर एक क्या लगा होगा, बैटरी, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दी पागल जैसा, तो यहाँ से करंट आया। अब तुमको पता है कि जो वोल्टेज होता है वो सीरीज अरेंजमेंट में अलग अलग होता है, ये सीरीज में है ना दोनों। अभी वोल्ट मीटर को इस ट्यूब के साथ किस में लगाई हो, सीरीज में, मान लो कि जो ट्यूब था उसका वोल्टेज था 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट, और तुम यहाँ जो ये बैटरी है इसका वोल्टेज था मान लो 220, कितना था इसका, दो 220 वोल्ट, तो 220 उसको पूरा 220 दे रहा था। लेकिन अभी तुम क्या कि यहाँ पर क्या घुसेड़ दी, वोल्ट मीटर, क्योंकि तुम बोले हमको इसका वोल्टेज मेजर करना है, तुम ठहरी गवार आदमी, इसको सीरीज में जोड़ दी ले जा करके। अभी क्या होगा कि ये बोलेगा 220 आधा तो बांटना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा कि बोलेगा तू अब 220 नहीं ले भाई साहब, छोड़ दे, इसको 200 देगा, और इसको कितना दे देगा 20 वोल्ट, और फिर ये वोल्ट मीटर सुई से अपना दिखा देगा, बोलेगा देखिए भाई इस ट्यूब में जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। तुम जाओगे दुकानदार से मारपीट करने, भाई साहब 220 बोल के क्या 200 वोल्ट का देता है, समझ में आया। तो ये गड़बड़ हो गया कि नहीं बताओ, गड़बड़ क्यों हुआ बताओ बालक, वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर हम लोग हटा दे, फेंक दे उसको, वोल्ट मीटर की वजह से, अभी अभी समझ में, अभी समझाए इतना एग्जांपल देके फिर भी बोल रही है वोल्ट मीटर की वजह से गड़बड़ हुआ। वोल्ट मीटर नहीं रहेगा तो पोटेंशियल कैसे मेजर करोगी, रमेश नहीं रहेगा तो प्रिया क्या करेगी बताओ तुम, यहां पर दिक्कत क्या आ रहा है, इस सज्जन को दिक्कत क्या है, वोल्टेज कम ना पड़ा, क्यों कम ना पड़ा, ये वो एकदम मतलब कि 8 क्लास का भी दिमाग नहीं है, तुम बताओ बाबू 8वीं फेल बताओ। चलो अभी ये बताइए शार्ट आप है फालतू, हाँ देखो अभी ये सही बोली, क्योंकि इसको जोड़े गलत तरीके से, ये है अच्छा आदमी लेकिन तुम उसको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि तुम उसको मतलब अच्छे से नहीं जानती थी, थोड़ा जानो बात करो 3-4 दिन तब पता चले, मतलब समझ में आया मेरे बात हम क्या बोल रहे हैं। तो यानी कि इसको वैल्यू दो यार, सीरीज में मत जोड़ो इसको, इसमें किसको जोड़ो, इसको इसमें किसको जोड़ो, मतलब इसको कैसे जोड़ो पैरेलल में, अभी ये 200 है, ये वापस इसको हटा दिया ना अब हम वोल्ट मीटर को, तो अब वापस 220 हो जाएगा, और तुम कैसे जोड़ोगी इसको, पैरेलल में जोड़ोगी। तो पैरेलल में जितना इसमें वोल्टेज, मान लो कि यहाँ पर ए बी और ये कितना एक्स वाई, तो जितना वोल्टेज ए बी का उतना वोल्टेज एक्स वाई का, मतलब कि वोल्ट मीटर कितना रीडिंग बताएगा 220 वोल्ट। क्या वोल्ट मीटर पूरे यूज में आया, आया भाई, बोलो भाई, बोलो बहन, हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर अब इसको जब जोड़े थे ना बगल में, तो ये खुद कुछ वोल्टेज खा गया और जो बचा हुआ वोल्टेज उसको मेजर कर दिया। अरे नहीं यार, तो वो कैसे हुआ, क्योंकि उसको तुम सीरीज में जोड़ दी, सीरीज में जोड़ से वो खुद कुछ वोल्टेज खा गया, ठीक है। तो तुम उसको पैरेलल में जोड़ो, पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल बराबर से बढ़ता है, तो जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इसका होगा। अब ऐसा नहीं कि वोल्ट मीटर का वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज तो होगा, वोल्टेज तो हर एलिमेंट का होता है जो भी सर्किट में मौजूद होता है। अरे पीछे याद करो यार, जो एमीटर था उसका कुछ रेजिस्टेंस था क्योंकि उसमें वोल्टेज था, क्या करंट एमीटर से फ्लो नहीं कर रहा था, कर रहा था, क्या करंट वोल्ट मीटर से फ्लो नहीं करेगा, करेगा, जब करंट आएगा ऐसे करके आई 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 आई, तो यहाँ आके बढ़ जाएगा दो रास्ता में, आई वन यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर आई टू चल जाएगा, तो करंट जाएगा इसमें क्योंकि इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर तुम इसको पैरेलल में जोड़ती हो तो सही मेजर करके बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बराबर वोल्टेज बढ़ता है, समझ आया। अभी इसका जो सुई में रीडिंग होगा वो एकदम कितना होगा 220 वोल्ट, क्योंकि इसका खुद का वोल्टेज और ये ट्यूब का भी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ट्यूब को गड़बड़ा दे रही थी यहाँ जोड़ के, समझ में आया कि नहीं आ रहा, समझ में बोलो।
अब ऐसा नहीं बोल सकती हो कि सर आप जब इसको यहाँ लगाए थे तो 20 वोल्ट दिखाएगा। अरे 20 वोल्ट तो उसका खुद का वोल्टेज था, उसको दूसरा इंस्ट्रूमेंट का मेजर, खुद का वोल्टेज वो मेजर करेगा। भाई साहब गजब है, भिखारी है यार। समझ आया? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सो वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब गैल्वेनोमीटर को किसमें बनाएंगे, वोल्ट मीटर में। समझ आएगी वोल्ट मीटर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि वोल्टेज मेजर करे। और दूसरा पॉइंट, उसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं पैरेलल में। सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, समझ आ गया? चलो ठीक है, टेंथ में बताते हैं ये सब। अच्छा एक चीज़ समझना यार, जैसे आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, आइडियल एमीटर होता है ना, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, जीरो। वैसे ही आइडियल वोल्ट मीटर भी लेते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। चलो ये सब पहले का ज्ञान दिया हो, हम बार बार नहीं बताएंगे, सब वापस आओ। गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। देखो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है ना, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम लोग बैटरी से। अच्छा गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे यार, जैसे मान लो यहाँ पर ट्यूब लगा हुआ वाला ट्यूब, तो किस में जोड़ेंगे उसको, पैरेलल में। सही बात है, क्योंकि पैरेलल में मेज़र होता है ना, तो यहाँ पर लगा दिया हम गैल्वेनोमीटर ताकि क्या मेज़र कर पाए, वोल्टेज। ठीक है लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बताओ अभी गैल्वेनोमीटर को ऐसा हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वोल्टमीटर में भी सुइयाँ होता है, गैल्वेनोमीटर में भी सुइयाँ रहेगा, सुई तो कहीं नहीं जा रहा है, सुई तो इस, लेकिन इसका सुई किसके लिए है, करंट नापने के लिए, क्योंकि मिली एम्पियर में लगा रहेगा ना, रीडिंग जो लिखा रहेगा 0 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में रहेगा। लेकिन वोल्टमीटर का तो वोल्ट्स लिखा रहता है यहाँ पर, तो सर तो वोल्टमीटर कैसे बनेगा ये? अरे भाई साहब एकदम आसान, देख यहाँ पर गैल्वेनोमीटर इज अ वोल्टमीटर, उसका खून में बसाया वोल्टमीटर। कैसे देखना, यहाँ से करंट आया ठीक है। अभी देखो ये ट्यूब का वोल्टेज कितना है, 220, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा, 220। अब इसमें करंट जब निकालोगे गैल्वेनोमीटर में तो करंट आईजी जाएगा ना इसमें, करंट मान लो कि इसमें आईजी गया तो ये इसमें ट्यूब में कितना करंट जाएगा, बोलो बोलिए ट्यूब में कितना करंट जाएगा, आई माइनस, देखो ऐसे गया ट्यूब में और यहाँ से निकला, फिर दोनों जुड़ के यहाँ कितना दे दिया, आई। तो जब तुम यहाँ से आईजी निकालोगी तो आईजी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इंटू रेजिस्टेंस। ठीक से देखो आराम से, यहाँ का मान लो इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को क्या मान ले, बी, इस पॉइंट को एक्स, इस पॉइंट को सॉरी वी बराबर आई जी इंटू जी होगा ना, सॉरी वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। अच्छा ये जो एक्स वाई का वोल्टेज है, एक्स वाई का वोल्टेज किसके बराबर होगा, ए बी का वोल्टेज का, दोनों किसके बराबर होगा, वी। ठीक है अब ये बताओ यार करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना जाता है, मान लेते हैं 800 मिली एम्पियर, मान लेते हैं कितना मान लिए, 800 मिली एम्पियर, और बाकी का करंट किसके पास जाएगा, ये छोटू के पास, ट्यूब के पास, चलना 1 एम्पियर लेते, जा टेंशन मत ले, 1 एम्पियर ले लिया, मान ले कि यहाँ से करंट कितना आया था, हाँ 4 एम्पियर, चलो मान लेते हैं, तो 4 एम्पियर आया, तो 3 एम्पियर कौन ले लिया, ट्यूब खा गया, और 1 एम्पियर कौन ले लिया, 1 एम्पियर कौन ले लिया, गैल्वेनोमीटर, करंट तो लेगा ना, वो भी सीरीज में बटी है, पैरेलल में बढ़ता है करंट। ठीक है और इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, गैल्वेनोमीटर का फिक्स होता है ना, उसको तुम ज़्यादा कैसे कर दोगी, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है तो फिक्स होता है ना, जो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है। अच्छा ए बाबू रेजिस्टेंस फिक्स होने का मतलब समझो, तुम उसके अंदर लगाई हो कॉइल, लगाई हो मैग्नेट, लगाई हो वायर, लगाई हो फास्फर ब्रॉन्ज, तो वो सब मिला करके इसका एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देता है, इसको तुम बदल सकती हो रेजिस्टेंस को, नहीं ये रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या, रेजिस्टेंस चेंज कर दोगी, उसके लिए तोड़ दोगी गैल्वेनोमीटर को क्या, तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम मान ले, 10 ओम या 20 ओम जो भी मानना है, 10 ओम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कितना मान लिया 10 ओम, तुम 20 ओम भी ले लो कोई दिक्कत नहीं हमको से, तो 10 ओम ले लिए, तो यहाँ से देखो वोल्टेज कितना आया वोल्टेज। अच्छा लेकिन इसका वोल्टेज कितना है, लेकिन ये मेज़र कितना कर रहा है, क्यों मेज़र कर रहा है 10 वोल्ट, क्या दिक्कत है इसके साथ, इस सज्जन को क्या दिक्कत है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर सज्जन को क्या दिक्कत है, यहाँ तो 220 वोल्ट का है ये ट्यूब, लेकिन ये सज्जन कितना मेज़र कर रहा है, 10 वोल्ट, जो कि गलत मेज़र कर रहा है, 220 करना चाहिए, तो इस सज्जन के साथ क्या दिक्कत है बोलिए, करंट तो ये तो उसमें दिक्कत नहीं हो, तो सज्जन तो 1 एम्पियर ही मेजर करेगा, उसका मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन ही है 1 एम्पियर, क्या उससे ज्यादा वो मेजर कर सकता है, क्या उससे ज्यादा वो मेजर कर सकता है, नहीं, ये सज्जन को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इस सज्जन को तो बदल सकते हैं ना, बोलोगे अभी तो आप बोले थे कि 10 ओम को नहीं बढ़ा सकते, अरे छोटू देखो क्या करो हम बता रहे हैं, 220 आएगा तो खुश हो जाओगी, 220 आएगा तो खुश हो जाओगी। चलो देखो
220। सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसका फिर से नाम क्या पड़ेगा, शंट, हेल्प करने के लिए उसको। और ये शंट का वैल्यू होगा ऐसा कुछ करेगी 220 आ जाए। 210 ओम, ठीक है, कितना हुआ 210 ओम। और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, अरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, यहाँ अभी लिखे हैं भिखारी 10 ओम, ठीक है। अच्छा 10 बोल रही थी, 10 ना होगा यार, 10 बोलती है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, ठीक है। इंग्लिश नहीं होना चाहिए एकदम, इंग्लिश कोई बोला है बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मेरे सामने बोलने से पहले सोच लेना इंग्लिश, ठीक है। अच्छा ये बैटरी कितना वोल्ट का था नहीं बताओगी, और ये ट्यूब को कितना दे रहा था, 220, क्योंकि ये किसमें है, हाँ एकदम चिगड़ा के बोल रहे बाबू। देखो हम ऐसे बोलते हैं चल जाएगा, तुम ऐसे मत सीखो, क्योंकि तुमको आगे चल के कॉल सेंटर में काम करना है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा ऐसे बोलोगी तो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर वापस आओ, ठीक है, पता नहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि डीमोटिवेट कर रहे हैं, हमको भी नहीं पता। अभी देखो यार, अभी जब तुम ये शंट लगा दी यहाँ पर, इसके क्या इसके बगल में कोई था, तो इसकी शादी किया बगल में आया कोई, तो यहाँ से जब अब निकालोगी तुम वोल्टेज तो अब क्या लिखोगी, गैल्वेनोमीटर का करंट। अभी इसमें करंट कितना जाएगा, आई जी, लेकिन ये छोटू में करंट कितना जाएगा, आई माइनस, आई माइनस आई जी। तो अब वोल्टेज जब निकालोगी तो करंट कितना लिखोगी, करंट तो अभी भी गैल्वेनोमीटर में, लेकिन रेजिस्टेंस ये दोनों किस में है, सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव। तो ये जी प्लस एस लिखोगी यहाँ पर, क्या लिखोगी, जी प्लस एस, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया। अच्छा आई जी कितना लिखोगी, अभी आई जी तो 1 एम्पियर, उससे ज़्यादा औकात है उसका, और चाहो तो कम कर दो, लेकिन बढ़ा नहीं सकती हो, बढ़ा सक रही तो पकला गई हो फिर, दिमाग में खराब हो गया है, ठीक है। अच्छा जी कितना डालोगी, 10, लेकिन इसके साथ एस कितना डालोगी, 200 210, कितना आएगा 220 वोल्ट, एकदम सही मेजर कर रहा है, यानी कि ये वोल्ट मीटर भी बन सकता है अगर इसके बगल में क्या लगा दे, शंट रेजिस्टेंस, समझ आए। लेकिन लेकिन तो फायदा क्या हुआ यार गैल्वेनोमीटर का, फायदा ये है कि इसमें एक सुई लगा है, सुई सुइयां लगा है, और वो सुइयां दिखा रहा है 1 एम्पियर, समझ आए। अगर ये सुइयां 1 एम्पियर नहीं बताता तो ये सब करके क्या फायदा भाई साहब, ये सब तो लिखा रहेगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, गैल्वेनोमीटर में ही लिखा रहेगा, शंट कितना है, लेकिन ये आईजी का जो मेजरमेंट है वो तो आंख से हम देखेंगे, नेकेड आईज से, गैल्वेनोमीटर का सुई से, तो गैल्वेनोमीटर को ही इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं एमीटर और वोल्टमीटर में, क्योंकि उसके पास सुई है, उस सुई से हम देख ले रहे हैं कि करंट उसमें कितना फ्लो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बोलो, मेजर कर रहा है ये करंट, लेकिन उस करंट के मदद से हम क्या निकाल ले रहे हैं, वोल्टेज V बराबर IR से। और यही फॉर्मूला है इस टॉपिक का, पता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। समझ आया कि नहीं आया बोलो, तो इसको लिख लो यार, फिर इसका थ्योरी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन फर्क, अच्छा दोनों में देखो कितना अंतर, उल्टा उल्टा दोनों एक दूसरे का। जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है शंट, उसको पैरेलल में लगाते हैं, कारण उसका तुम्हारे पास है, पैरेलल में लगाते हैं। लेकिन उसी गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज में लगाते हैं शंट को। अच्छा उसमें शंट का वैल्यू बहुत छोटा, इसमें शंट का वैल्यू बहुत बड़ा, एकदम उल्टा उल्टा है दोनों एक दूसरे का। तो जो बाबू लोग, जो बच्चा लोग नहीं पढ़ता है ना, रटना चाहता है इसको, तो उसको हम ऐसे ही बताते, देखो बाबू ऐसे याद करके चल जाना और लिख देना एग्जाम में लिखो इसको जल्दी। अभी न्यूमेरिकल से करवाएंगे यार, ये सब तो डेटा तो हम अपने मन से लिए, अपना दिल से लिए, लेकिन अभी न्यूमेरिकल से करवाएंगे, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेंगे, उससे एकदम चमक जाएगा, लिखो इसको। चल पहला पॉइंट इसके बारे कि कैसे हुआ ये, कैसे, अरे इंग्लिश का इसमें जरूरत पड़ेगा यार, इंग्लिश मजबूरी है एकदम। चल लिखते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हार्ट वुड भी कोई को बना देता है ना पता नहीं चलो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला पॉइंट, द गैल्वेनोमीटर इज केपेबल ऑफ मेजरिंग
इज केपेबल ऑफ मेजरिंग। देखो याद करो यार, तुम लोगों हम पहले फील ये दिलाए थे कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग बिना शंट के जब लगाए थे तो वो वोल्टेज तब भी मेजर कर रहा था, लेकिन कम मेजर कर रहा था क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या था गैल्वेनोमीटर का, कम था, 10 ही हो रहा था। उसमें हम लोग 210 ऐड किए तो काम बन गया। वही लिख रहे हैं, द गैल्वेनोमीटर इज केपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी लो वोल्टेज, वेरी लो वोल्टेज, ठीक है। तो टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इन प्रॉपर वैल्यूज वी कनेक्ट अ हाई वेरी वेरी हाई होता है ना, सॉरी यही होता है इंग्लिश अधूरा पढ़ने से, वेरी हैवी शंट रेजिस्टेंस। वेरी हैवी का मतलब कि उसका जो रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हैवी शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। अच्छा याद करो, कोई बोलता है सर उसमें भी शंट इसमें भी शंट, अरे बकलोल, शंट कहने का मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए लेके आए, रेजिस्टेंस बोलते तो अजीब लगता, इसलिए उसको नाम दे दिया शंट रेजिस्टेंस। इस टॉपिक में ऐसे ही नाम दिया उसको ताकि ये बता पाए कि वो शंट कर दे रहा है, मतलब उसको कैरेक्टरिस्टिक को बदल दे रहा है, उसका जज्बात बदल दे रहा है, इसलिए नाम रखे शंट। शट अप जैसे होता है ना, चल देखें आप, शंट रेजिस्टेंस किसमें, इन 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 इन, ये जरूरी बात, इन 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 सीरीज, इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा छोटा बात है इसमें, जिस पर अगर गौर फरमा लो तो तुम्हारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और उससे मेरा फॉर्मूला क्या निकलता है, वी बराबर आई जी जी प्लस एस, या फिर जी प्लस आर भी हो सकता है बाबू, घबराने का बात नहीं है, एनसीईआरटी में जी प्लस आर लिखा है, वो शंट को एस नहीं लिखा, भिखारी है क्या बोले, ये लिख लिया हो गया, नहीं एनसीईआरटी भिखारी नहीं बोले थे, मतलब कि एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, हम ये बोर्ड के बारे में बोल रहे थे, गंदा है, हो गया ये लिख लिया, ठीक है। चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल देते हैं बढ़िया एनसीईआरटी वाला, आइए देखते हैं इसको। बोला है अ गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, गैल्वेनोमीटर देखो ऐसे बनाते थे हम लोग, और उसका वैल्यू दिया हुआ है जी का वैल्यू 12 ओम, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करेंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, कितना करेंट भेज रहे हैं 2.5 मिली एम्पियर, मतलब जो करेंट इन गैल्वेनोमीटर बोला है वो कितना बोला है 2.5 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत बताओ आईजी, कोई दिक्कत आईजी में बताओ। बोला हाउ वुड यू कन्वर्ट एन एमीटर टू अ रेंज ऑफ इतना रेंज का एमीटर बनाना है इतना रेंज का एमीटर, मतलब 0 से लेके 7.5 एम्पियर। एस पूछा है कि यहाँ पर हम लोग जवाब में ये लिखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को किस से जोड़ते थे, शंट के साथ, और शंट रेजिस्टेंस के साथ किस में जोड़ते थे, बोलिए सीरीज में, सॉरी पैरेलल में जोड़ते थे, और ये शंट एस होता था, यहाँ से करंट आया आई, इसमें कितना गया आई जी, इसमें कितना गया आई माइनस आई जी, करेक्ट। और कितना बोला है 0 से लेके 7.5 मिली एम्पियर, मतलब कि कितना करंट आई का वैल्यू कितना दिया है 7.5 एम्पियर, आई को ले लो 7.5 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि बोला है ना कि इतना से इतना रेंज का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका। अच्छा इतना रेंज का मतलब क्या है, इतना रेंज का मतलब ये है जैसे तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर कितना, मतलब उससे ज़्यादा करंट, मतलब उतना ही तक वो मेज़र कर पाएगा, क्यों भाई, अगर हम ज़्यादा करंट भेज देंगे आई तो क्या दिक्कत होगा, तो उसके पास एक एम्पियर से ज़्यादा जाने लगेगा, नहीं समझी, अगर इसके पास एक एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो हम कह दिए कि 7.5 तक भेजो, यहाँ पर इसको कितना भेज सकती हो तुम 7.5, तो होगा क्या कि कुछ करंट इसके पास जाएगा और इसके पास एक एम्पियर जाएगा या उससे कम जाएगा, एक एम्पियर जाएगा या उससे कम जाएगा, क्या उससे ज़्यादा जाएगा, नहीं। लेकिन अगर तुम 8 एम्पियर भेज देती हो तो हो सकता है इसके पास कितना चल जाए 1.5 एम्पियर। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू है उसका, ठीक है, समझ में आया ये आई का मतलब, व्हाट इज आई, द नेट करंट विच यू आर सेंडिंग टू द सर्किट, ठीक है। अब ये तुम निकालोगे, तुमको पता है यहाँ का वोल्टेज ए बी मान लेते हैं, यहाँ का एक्स वाई, देखो हम रटे नहीं फॉर्मूला यार, उससे लगा रहे हैं, वोल्टेज इन ए बी बराबर वोल्टेज इन एक्स वाई, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो यानी कि तुम लिखोगी इसका करंट आई जी इंटू जी बराबर इसका वोल्टेज कितना लिखोगी, इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस है एस और इसमें करंट कितना जा रहा है आई माइनस आई। तुमसे सवाल में क्या पूछा है, तुम बोलोगी कि एमीटर, अगर हमको किसी एमीटर को बनाना है तो उसके लिए हमको शंट लेना है, तो शंट का वैल्यू बताना पड़ेगा कितना लेना है, ये देखो शंट निकल जाएगा, एस बराबर आई जी जी बाई आई माइनस आई जी,
आईजी कितना है, आईजी कितना है 2.5 मिली, मिली का मतलब 10^-3। जी का वैल्यू, 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 जी का वैल्यू 12। जी का वैल्यू हम लिखे नहीं ना, अपने लिख देते हैं 12 ओम। ये रहा दिया है देखो 12 ओम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम। अच्छा अपॉन ये आई कितना है 7.5 एम्पियर में ही दिया है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आईजी दिया है -2.5 × 10^-3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आइए। अब ये एनसीईआरटी का डेटा है तो सॉल्व करना तो बड़ा माथा फोड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/10, और ये 10^-3 को हम लिख सकते हैं 1/1000, और इंटू यहाँ पर क्या होगा 12 अपॉन, हाउ वी कैन राइट दिस 75/10 माइनस, ये वाले को लिख सकते हैं 25/1000, ठीक है। इसका 10^-3 नीचे गया तो 3 जीरो हुआ, और इसमें से पॉइंट उड़ाएं तो एक और जीरो आया। नहीं समझ में आया, आ गया रिया जी? नहीं समझ में आया, आगे और इसको काटते हैं तो 5 × 25 है ना, 2 × 10, 5 × 5, 5 × 2 = 10, उसके बाद 200/12 आ रहा, तो 12 6 से जाएगा ये, उसके बाद ये जाएगा तुम्हारा 10 से, ये आया तुम्हारा, फिर ये 3 से जाएगा, यानी कि 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो आ रहा है 3/50, 3/50, और नीचे में यहाँ पर कितना आ रहा है इसका एलसीएम लेके, 25 से कटेगा, 25 × 25, 25 × 100, और ये 75 × 10, ये 5 से 12 बार में जाएगा, और ये 2 बार में, तो यानी कि अच्छा ये 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, तो यानी क्या है 6 माइनस, और यहाँ पर कितना हुआ 1/400, ठीक है बच्चों? तुम बच्चा नहीं, तुम लोग बुढ़ा है। 400 × 6 = 2400 लिखते हैं ना, चलो ना 2400 साफिया का पूरा साल का खर्चा अपॉन 400, ठीक है ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत तो होगा भी नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा तुम ले भी नहीं सकती। तो देखो आगे देखना, आगे देखो, आगे देखो, आगे यहाँ देखो, आइए यहाँ देखिए, यहाँ से शंट निकल जाएगा, शंट 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 3/50, 3/50, और यहाँ नीचे होगा 2300 2399 अपॉन 400, 0 से 0 कैंसल, 5 × 5, 5 × 8 = 40, ये 8 ऊपर गया, तो शंट बराबर 8 × 3 = 24, और 24 हुआ यहाँ 1 हुआ 24, और ये हो गया तुम्हारा 2399, देख रही हो, देख रहा है विनोद, ये 24 डिवाइड होकर कितना छोटा वैल्यू दे देगा, चला जा कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया कैलकुलेशन, बोलो क्या कैलकुलेशन आपको यहीं पर कष्ट हुआ? वैसे तो हमको हुआ, बहुत दिक्कत हुआ कैलकुलेट करने में, 24 / 2399, 0.01, ओ माई गॉड 0.01 ओम, इतना छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, बताया था ना छोटा होता है बहुत। अच्छा स्टार्टिंग में इसका वैल्यू हम कितना लिए थे? 2 लिए थे, ओ माय गॉड, हमको लगा कि हम थोड़ा सा मतलब बाबा ज्ञानी हो गए कि मतलब अंदाजा से बता दे रहे हैं, लगा हमको डिब्रोगली बन गए, वो अंदाजा से वैल्यू बताता ना इतना होगा बिना एक्सपेरिमेंट का। ये समझ आया? देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं इतना ज्ञान देने के बाद। आंसर है, आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा भाई साहब, 4 × 10^-3, हाँ आईजी लिखे थे हम लोग, एक मिनट देखते हैं इसको, ये ऐसा कैसे कहाँ गलती हुआ भाई साहब इसमें? आंसर दिया है ना ऐसे शंट का 4 × 10^-3 एम्पियर, सॉरी ओम, ओम एम्पियर कहाँ से, ओम देख लेते हैं उसको डिवाइड करके, 4/1000 होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 25, ठीक है। और 1/25 का मतलब क्या होता है? ओए 1/25 का मतलब क्या होता है? 1/25 मतलब 1 को 25 से डिवाइड करो कितना आता है, हाँ वही ना 0.04, ये आएगा ना 0.04 आएगा, हाँ 1/25,
0.04 होगा ना, वही तो कह रहे हैं, तो 0.04 आना चाहिए, लेकिन मेरा 0.01 आ रहा है। कहीं पर गलतियाँ हो गई क्या? 8 3 24, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, देखते हैं। कौन 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 कौन? हाँ अच्छा, 15 तुम ही बताई थी, यही बताई थी सर, 12 बार में कटेगा। भाई साहब यकीन करना किसी के ऊपर ना गुनाह है, 15 बार में कटेगा ना, 15 बार में। भाई साहब 15 15 by 2 आएगा ना ये, क्योंकि ये 5 2 10 15 15 2 कितना होगा? नहीं 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 मत बता, तू मत बता कितना होगा, तू मत बता भाई साहब। फिर इसको होगा तुम्हारा एलसीएम लेके पूरा गड़बड़ कर दी गोबर आदमी। स्टूडेंट के ऊपर यकीन नहीं होना चाहिए। शंट यहाँ पर आ रहा 3 by 50 अपॉन ये 2 और 400 का एलसीएम। और 200 तो 15 × 200 -1, ठीक है, तो ये शंट यहाँ से हो जाएगा 3 by 50 अपॉन 5 × 30 30,000 - 1/400, ठीक है। अब ये माइनस होके कितना हो जाएगा, ये 2999, ये तो मेरा घड़ी का दाम। अब ये ऊपर गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24 अपॉन नीचे में कितना होगा 2999, है ना। ठीक, घड़ी का दाम देख लो, डिवाइड करके देखते हैं, अभी नहीं आया ना तो फिर वीडियो एडिट कर देंगे, एडिट कर देंगे और क्या। 24 / 2999, ज़्यादा 9 लिख दिया, नहीं नहीं आ रहा, 0.008 आ रहा है। एट थ्री ज़ा 24 हो रहा है ना, ऊपर में गलती हुआ क्या? क्या 15 होगा? कहाँ पर, कहाँ 12? ये कटे हैं उसको, कैंसिल किए। फिर से करेंगे हम कैलकुलेट, मैं हार नहीं मानूं। चलो फिर से करते हैं, चलो ये समझ में आया ना कैसे करना है। कैलकुलेट वंस मोर। चले, यहाँ से हमको निकालना था जी, यानी कि एस निकालना था, संट रेजिस्टेंस। तो संट निकालने के लिए हम लिखेंगे इसको IgG / I - Ig, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये Ig का वैल्यू हम डालेंगे, Ig ये रहा, इसको डालेंगे 2.5 × 10⁻³, ठीक है। उसके बाद ये एस का वैल्यू यानी कि जी का वैल्यू 12 अपॉन नीचे में I यानी 7.5 -Ig 2.5 × 10⁻³, ठीक है। अब ये हो जाएगा 25 by क्या, हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो, इसको पॉइंट हटा के यहाँ से कार्ड कैंसिल भी कर सकती हो, 2 × 10 और 5 × 5 = 25, ठीक है, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, तो 6 × 5 = 30, 30 × 10⁻³, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 3 × 10⁻², हो जाएगा। और फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट इससे अगर चल जाए तो यहाँ 7.5 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 25 by ऐसे लिख सकते हैं इसको 3000, और यहाँ एक और जीरो आएगा, 25 × 25 = 4, यहाँ 2 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटा, 10 आया, ये हो गया 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 3, यहाँ लिखते हैं, चलो आओ 3/100 अपॉन ये हो गया 75 माइनस, तुम लोग देख लो 400/10, ठीक है। हाँ बोलो, ये 10⁻³, 10⁻³, और यहाँ पर ये 5 और 6 मल्टीप्लाई करके 30 हुआ ना, तो 30 हुआ तो 30 का एक जीरो गया तो ये आया, ठीक है। अब यहाँ से ये होगा, ये कितना 15 बार में जाता है ना, और ये 2 बार में 5 का टेबल से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/100 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये 400, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 3000 माइनस वन, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ करते हैं, आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/1000 आ रहा है ना अब 100, और ये माइनस हो गया 2999 मेरा घड़ी का दाम, और अपॉन 400। अब देखो ये जो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3/4 = 12, 12/2999 कितना आएगा ये 0.004 होगा ना, क्योंकि उस समय कर रहे थे तो 0. वैसे हो रहा था, ठीक है। तभी ना फिर यहाँ से देखो जो आंसर दिया किताब में, अच्छा इसका यूनिट होगा तुम्हारा शंट निकल रहा है, तो शंट का यूनिट होता है ओम, तो यानी कि ओम में आएगा इस, और किताब में इसी को लिख दिया है 0.04 ओम को लिख दिया है वो, 4 × 0.04 होगा बाबू यहाँ पर 10^-3 ओम, ठीक है। तो देखो मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है ना, देखो हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, ये समझ आया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सेकंड पार्ट, है ना, एक क्वेश्चन में इतना देर लगा दिया, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखते आइए। अरे यार ऊपर वाला मिटा रहे, अरे कैलकुलेशन उसका स्ट्रांग है यार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 volt, वोल्ट मीटर बनाना है उसको, तो वोल्ट मीटर के लिए भी शंट निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या लिखोगे एकदम सीना चौड़ा करके, IgG+S, खत्म बात। और तुमको बताना क्या है यहाँ से शंट, तो उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इसका जज्बात, जज्बात बदलने के लिए V/Ig लिखना पड़ेगा, और ये -G = S, कोई कष्ट, कोई कष्ट। अब यहाँ से V कितना बोला है 10, V 10 दिया ना, देख यहाँ देख, तो V 10, और Ig कितना दिया है, Ig तो स्टार्टिंग से ही दिया था 2 × 10⁻³, ठीक है, माइनस ये G का वैल्यू दिया है, इसको मिटा दे जरा हम, ये मिटा दे साफिया ना, जी का वैल्यू कितना दिया है 12 ना, बराबर एस, तुम निकाली है क्या कैलकुलेटर सॉल्व करके, तो यहाँ से फिर शंट हम लोग निकालेंगे एस, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 25, 4 = 100, ठीक है। तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 10^-3 को ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा ये 4000, और ये -12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3988 होगा, ठीक है, और इसका यूनिट आएगा तुम्हारा ओम। तो ये शंट रेजिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू देख रही हो कितना हाई है, पिछले बार शंट का आंसर कितना आया था याद करो 0.004 ओम, और इस बार शंट देखो, क्योंकि ये किसका हम बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में हाई लगाते हैं शंट को, देखो ये जो शंट यूज़ करेंगे इसमें कब कब यूज़ करेंगे, जब गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एम मीटर में, और ये जो शंट का वैल्यू है, अब अभी तुमको फील हुआ यार हम क्या तभी से पढ़ा रहे थे, ये शंट का वैल्यू तब यूज़ करेंगे जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में। अब इसमें से छोटा सा और सवाल एनसीईआरटी में दिया, सुन लो मेरे बात, हम बता देते हैं उसको, थ्योरेटिकली समझा दे रहे हैं, उसमें बोलता है ना कि अगर आप ऐसा, अगर आपका जो ये करेंट है, जैसे ये जो करेंट है आपका, उसका वैल्यू कम मेज़र करता है या ज़्यादा मेज़र होता है, मतलब जो एमीटर होता है वो सही मेज़रमेंट करता है करंट को या गड़बड़ मेज़रमेंट करता है, गलत मेज़र करता है, क्योंकि जो एमीटर होता है उसको कुछ भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके वजह से वो करंट का वैल्यू वो कुछ घटा देता है, प्रॉपर मेज़र नहीं करता, एग्जैक्ट मेज़र नहीं करता है, और उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग आइडियल एमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये छोटा सा सवाल उसमें पूछा था। अच्छा इसमें एक और चीज़ पूछता है कि जो रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली रेजिस्टेंस कितना था, एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना था, एक्चुअल रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो क्या करोगी पूरे सर्किट का निकालने के लिए, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगी, कुछ नहीं, ये जी और एस को जोड़ दोगी, जी और एस को जोड़ दोगी, तो मतलब इस केस में पूछा, सेकंड पार्ट का बताएं, फर्स्ट पार्ट का तो समझ गए ना क्या पूछा था, वही कि जो एमीटर होता है वो सही करंट नापता है या कुछ गड़बड़ा देता है, तो गड़बड़ा देता है, उसका कारण बता दिया हम, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कुछ, उसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस ऐड होता है, ये तो थ्योरी पढ़ाते वक्त ही बता दिया गया था, इसी सवाल में दिया है सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, ठीक है। अब दूसरा पार्ट पूछा था कि जो ये जो सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, तो नेट रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे, जी प्लस एस, जी कितना है 12, और एस कितना निकाले हम लोग 3988, यानी कि 4000 ओम का नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, पूरा क्लियर एकदम, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।